हे, हाथ में आ चुका है पिद्दी सा लावा लिटिल सिंघम। आज उसके फैमिली को नहीं छोड़ेंगे। ओ भैया, हो भैया। सो दोस्तों, मैं हूँ लावा लिटिल सिंघम। सो दोस्तों, देखो मेरे फैमिली को ना पूरा कैद करके रख दिया है और बोल रहा है लावा लिटिल सिंघम बहुत ज्यादा शैतान फैमिली है, इसलिए तेरे फैमिली को पूरा मर जाना चाहिए। सो गाइस, हमारा फैमिली ना इतना बुरा नहीं है, हम लोगों का फैमिली हर एक बंदे का मदद करता है। भाई दिखने में हम लावा है, लेकिन गाइस देखो हम लोगों का फैमिली को कैसे कैद करके रख दिया है। ओए लावा लिटिल सिंघम होता है बहुत ज्यादा डेविल, उन सबको मार देना चाहिए। हाँ भैया, पूरा सही बताया भैया। इन सबको पूरा मार देना चाहिए। तुम सबको लावा लिटिल सिंघम को फैमिली को पूरा तबाह कर देंगे। तुम सब दुनिया को तबाह कर रहे हो, तुम हो लावा लिटिल सिंघम। लावा लिटिल सिंघम का फैमिली होता है बहुत ज्यादा खतरनाक। अरे हमारा फैमिली ऐसा नहीं है। सो गाइस देखो, इनका सब आज देखो ऐसी वहां का फैमिली ना हमारे फैमिली के साथ क्या कर रहा है। देखो हमारे फैमिली को मार दे रहा है। सो गाइस देखो, गाइस ये देखो हमारा दद्दू जी है लावा लिटिल सिंघम की फैमिली से। तो गाइस देखो, हर जगह इतना ज्यादा स्नो है ना, इसलिए गाइस हम लोग अपना पावर यूज नहीं कर सकते यार। हम लोग धीरे धीरे बहुत ज्यादा कमजोर होते जा रहे हैं, लगता है हम लोग कुछ ही टाइम मर जाएंगे। सो गाइस इसलिए मैं रो रहा हूँ, लगता है कुछ देर बाद देखो हमारे साथ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है। सो गाइस आसपास इतना ज्यादा स्नो है ना, इसलिए हमारा पावर भी कुछ काम नहीं कर पा रहा और हम लोग ठंड के मारे कांप रहे हैं। हम लोग को छोड़ दो शिवा का फैमिली, प्लीज छोड़ दो शिवा, आइस प्लीज छोड़ दो। और गाइस देखो यहाँ पे ना मेरा एक छोटा भाई है, भाई ये रो रहा है, फिर भी इसको छोड़ नहीं रहा। अरे भैया प्लीज छोड़ दो, मैं माफ कर दो, मेरे को डर लग रहा है। छोटा भाई, तुझे मैं पहले यहाँ से गिरा के मार डालूंगा। एक मिनट गाइस, ये तो मेरा छोटा भाई को क्या गंदी तरह ऊपर से लात मार के नीचे गिर दिया। भैया शिवा का फैमिली बहुत ज्यादा बुरा फैमिली है। सो गाइस इनका फैमिली हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा है। देखो गाइस, मेरे फैमिली के मेंबर को एक को मार डाला, भाई प्लीज छोड़ दे। अब तेरी बारी है बिद्दी। ऐसे करते करते लावा लिटिल सिंघम का फैमिली को पूरा मैं मिटा दूंगा दुनिया से। अरे भाई मत करो, हम तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, हम तुम्हारा गुलामी करेंगे, मत करो। अरे यार प्लीज मत करो हमारे साथ, हम लोग मानते हैं हम लोग लावा है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा दिल के अच्छे हैं, हम लोग लिटिल सिंघम है, हम लोग हर एक बंदे का मदद करते हैं। इसलिए हम तुम्हें नहीं देख सकते, हम लोग अच्छाई का दुश्मन है। एक मिनट गाइस, इसने तो मेरे को कहां से पकड़ा मेरे को समझ नहीं आ रहा। भाई ये तो मेरे को फिर से वहां पे ले जा रहा है जहां पे मेरे छोटे भाई को नीचे गिरा दिया। यहां से मैं तेरे को फेंक दूंगा, और हर जगह इतना ज्यादा स्नो गिरा है ना, तू जहां पे गिरेगा तू पूरा तबाह हो जाएगा पिद्दी। देख मैं यार, देख क्या नजारा है। एक मिनट गाइस, ये तो मेरा कॉलर छोड़ भी नहीं रहा। भाई देखो मैं जहां पे गिर जाऊंगा मेरा खेल खत्म लग गया, प्लीज छोड़ दे मेरे को। देख तेरे फैमिली को मैं पूरा खत्म कर दूंगा, लावा लिटिल सिंघम का फैमिली पूरा तबाह होगा आज, शिवा का फैमिली जीतेगा। ये ले बाहर जा यहां से। नहीं, मैंने उसको बड़ा सबक सिखा दिया, लेकिन उसके फैमिली को भी तबाह करूंगा ऐसे ऐसे, सबको मैं ऊपर से नीचे गिरा दूंगा, सब ठंड के मारे कांपते कांपते मारे जाएंगे। अरे भाई मेरे को बचा लो, नहीं फंस गया। अरे गाइस देखो, मैं अभी तक जिंदा हूँ भाई, बहुत अच्छी बात है। सो गाइस शिवा का फैमिली ना हमारे साथ क्या कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक बहुत ज्यादा गंदे अत्याचार कर रहा है, भाई के ऊपर से मेरे को नीचे फेंक दिया। गाइस देखो उनका फैमिली बहुत ज्यादा बुरा फैमिली है। सो गाइस मुझे अपने लावा फैमिली को बचाना है। सो गाइस मैं हर जगह जाके खुद के लिए मदद मांगा, अपने फैमिली के लिए मदद मांगा। सो गाइस मैं लावा हूँ, इसलिए गाइस सब लोग सोच रहे तू डेविल है, तू सबको जला दे रहा है, तू सब बहुत ज्यादा गंदा है, लिटिल सिंघम लावा लिटिल सिंघम बहुत ज्यादा गंदा होता है। लेकिन गाइस ऐसा सीन नहीं है भाई, मेरा फैमिली बहुत ज्यादा अच्छा है। सो गाइस मेरे फैमिली को मार दे रहा है, इसलिए गाइस मेरा हर एक जगह ढूंढ के मेरे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इसलिए गाइस मैं नदी के पार आकर रो रहा हूँ। गाइस मेरा कोई रास्ता दिखा दो, लगता है कुछ देर बाद मेरे फैमिली को पूरा तबाह कर देगा शिवा का फैमिली। नहीं यार ऐसे नहीं चलेगा, मुझे कुछ करना पड़ेगा यार, मैं क्या करूँ। दोस्तों लोग आप लोग सब्सक्राइब भी कर दो, उसके बाद आई हूँ मेरा कोई रास्ता निकल जाए। पुत्र ठंडी के मौसम पे अब पुत्र कैसा लग रहा है? देखो पुत्र मैं क्या बढ़िया से एकदम चला बोर्ड चला रहा हूँ पुत्र। हाँ कैसा लग रहा है पुत्र, एक बार कमेंट करके बताओ पुत्र। अरे मेरा बोर्ड कैसा है पुत्र? बोला मत पुत्र, देखो पुत्र मैं हवा से बात कर रहा हूँ, क्या ऊंचा ऊंचा चल रहा पुत्र, आपको क्या लग रहा है पुत्र? ये देखो पुत्र मैं कितना बढ़िया से एकदम चला रहा हूँ। अरे पुत्र तो मजा आ गया पुत्र, इतना ऊंचा ऊंचा जम लगता है कोई मार भी नहीं सकता पुत्र। पुत्र एक बड़े पुत्र सामने कौन है? एक बेबी सा देख, अरे एक छोटा बच्चा मैंने देखा पुत्र, ये कौन है पुत्र? मेरे को जाके देखना चाहिए। पहले ना बोर्ड को मैं पूछे घुमाता हूँ पुत्र, उसके बाद उसको जाके देखता हूँ। ओए पुत्र तू रो क्यों रहा है पुत्र? तेरे साथ क्या हुआ पुत्र? ये सीन तो बता पुत्र। अरे पुत्र मैं जैसे जैसे इस पुत्र के पास आया, ओए पुत्र तू रो क्यों रहा है? अरे पुत्र तू तो लिटिल सिंघम में लग रहा है, एक मिनट पुत्र तू लावा का बना है क्या? अरे पुत्र तू तो शैतान लिटिल सिंघम लग रहा है मेरे को। एक मिनट गाइस, दद्दू जी भी बोल रहे हैं मैं शैतान लिटिल सिंघम हूँ। अरे दद्दू जी मेरे फैमिली को ना शिवा का फैमिली पूरा तबाह कर रहा है, शिवा का फैमिली पूरा आइस से बना है, इसलिए इस ठंडी के मौसम में उनका ताकत बहुत ज्यादा है, हमारा फैमिली का ताकत बहुत ज्यादा कम है, इसलिए इसी का फायदा उठा के वो हमारे फैमिली को पूरा तबाह कर रहे हैं। लेकिन हमारा फैमिली ना बहुत ज्यादा, हमारा फैमिली ना हर एक बंदे का मदद करता है, और हमारे फैमिली को शिवा का फैमिली पूरा मार डाल रहा है। प्लीज कुछ करो दद्दू।
खुशी। अरे पुत्र ये तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बात है पुत्र, ये तो कमजोरी का फायदा उठा रहा है पुत्र। अरे पुत्र ये सब कैसे, अरे पुत्र एक ही सी रास्ता है पुत्र, मैं वहाँ पुत्र को ले चलता पुत्र। ये चल पुत्र। एक मिनट गाइस, अचानक से दद्दू जी मेरे को कहाँ पे ले आए भाई, ये कितना ज्यादा खतरनाक चीज है भाई, ये तो एक आइस मॉन्स्टर है। अरे दद्दू जी मेरा तो दिमाग घूम गया, मेरे को बचाओ। ओए पितर डरने की कोई बात नहीं पुत्र, मैं तेरे को समझा देता हूँ पुत्र तेरे को क्या करना पड़ेगा पुत्र, उसके बाद तू अपने फैमिली को बचा सकते है सिबा के फैमिली से पुत्र। पहले देख आइस मॉन्स्टर पुत्र, इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन पुत्र असली पावर तो यहाँ पे है, देखे पुत्र ये है ग्रैनी और इसके सामने है पुत्र एक ट्रेडमिल। भाई मेरे को ना ग्रैनी से बहुत ज्यादा डर लग रहा है दूजी, मैं क्या करूँ। अरे पुत्र देखो तेरे को ट्रेडमिल भाग के अपना साइज बढ़ाना पड़ेगा पुत्र, अभी ये खत्म नहीं हुआ पुत्र, तू जब अपना साइज बढ़ा लेगा पुत्र तब तेरे को मिलेगा लाभा मॉन्स्टर पुत्र। ये लाभा मॉन्स्टर दिल का अच्छा है पुत्र, तू भी लाभा है ये भी लाभा है पुत्र, लगता है तेरा बात मान लेगा। अरे पुत्र देख ये है स्किबी टॉयलेट, ये है आइस स्किबी टॉयलेट पुत्र, यहाँ इससे तेरे को बातचीत करके जैसे करके इसका ट्रेडमिल यूज करना पड़ेगा पुत्र। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है पुत्र, ये किसी को रैम नहीं करता, ये तेरे को मार भी सकता है पुत्र, सोच एकदम संभाल के इससे बातचीत करिए पुत्र। ये ट्रेडमिल यूज करने के बाद पुत्र तू आ जाएगा इसके पास, ये है 3-हेडेड लाभ मॉन्स्टर पुत्र, ये तेरे ऊपर जो रैम करके तेरे को पावर दे दे पुत्र, तू बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा पुत्र, उसके बाद तू अपने फैमिली को बचा सकता है पुत्र। ऑलराइट गाइस, सो गाइस दद्दू जी ने मेरे को हर एक चीज समझा दिया भाई, मेरे को ठीक से लैंड करना पड़ेगा। सो गाइस ये है आइस मॉन्स्टर, सो गाइस आइस मॉन्स्टर ना बहुत ज्यादा ठंडा है भाई, मैं इनके ऊपर ज्यादा चल नहीं सकता, क्यों गाइस मैं हूं लावा से बना हुआ, अरे ये पूरा आइस। सो गाइस मुझे ऐसे करके लावा मॉन्स्टर के सीने के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उनसे मदद मांगना पड़ेगा जैसे करके, उसके बाद गाइस मैं अपने फैमिली को बचा सकता हूँ सिबा के फैमिली से। सो गाइस सिबा का फैमिली बहुत ज्यादा बेरहम हो चुका है, वो हर एक बंदे को मार रहा है, सबसे पहले ना वो मेरे फैमिली को टारगेट किया है। सो गाइस मुझे अपने फैमिली को बचाना पड़ेगा सिबा के फैमिली से। सो गाइस आप भी सिबा मेरी मदद कर सकते हो, सो गाइस मेरे साथ पूरा बने रहना। सो गाइस फिलहाल के लिए मैं जाऊंगा ग्रैनी के पास। सो गाइस ग्रैनी ना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, मैंने सुना है, चलो गाइस उसके पास ना है खतरनाक टाइप का ट्रेडमिल, वो ट्रेडमिल यूज करने के बाद गाइस मुझे मिलेगा बहुत ज्यादा शक्ति, वो शक्ति से मैं अपने प्यारे फैमिली को बचा सकता हूँ अपने लाभा के फैमिली से। ऑलराइट गाइस फिलहाल मैं बहुत ऊंचा चढ़ चुका हूँ, अरे गाइस ये रहा ग्रैनी, अरे ग्रैनी जी मुझे ना ट्रेडमिल की बहुत जरूरत है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो। ओए तू यहाँ पे कैसे आया, तू तो लिटिल सिंगम है, तेरे से तू बोल, तू चाहता है ट्रेडमिल यूज करना, सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब दे, बोल 15+15 कितना होता है। एक मिनट गाइस ग्रैनी बोल रहा है 15+15 कितना होता है, उसके बाद गाइस में ये ट्रेडमिल मेरे को यूज करने देगा। अरे यार गाइस मेरे को इतना कुछ नहीं पता यार, मैं लावा से बना हूं। सो गाइस जो जो देख रहे हो गाइस आप लगता है मेरी मदद कर सकते हो भाई, जो जो देख रहे हो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जो जो देख रहे हो गाइस प्लीज यार फटाफट एक बार कमेंट कर दो ना 15+15 कितना होता है भाई, उसके बाद जो सवाल निकलेगा मैं इसको बता दूंगा भाई, ये ट्रेडमिल उसके बाद यूज कर सकता हूं भाई, क्या कर रहे हो फटाफट यार प्लीज यार 15+15 कितना है फटाफट कमेंट करो यार प्लीज कर दो। एक मिनट गाइस एक बंदे ने कमेंट किया, अरे ग्रैनी 15+15 ना आई थिंक 30 होता है। अरे तू सही बताया, ठीक है ये ट्रेडमिल तो यूज कर सकता है। ऑलराइट गाइस ग्रैनी ने मेरे को फाइनली गाइस परमिशन दे चुका है ये ट्रेडमिल का यूज करने में, चलो गाइस बहुत बढ़िया बात है, चलो गाइस फटाफट ट्रेडमिल में भाग के अपना साइज बढ़ाते हैं, और गाइस मुझे अपने फैमिली को भी बचाना है गाइस, मैं फटाफट भागता हूं, आई थिंक गाइस जल्द से जल्द मैं अपग्रेड हो जाऊं। सो गाइस चलो हो जाएगा दोस्त, एक मिनट गाइस अचानक से ये क्या ब्लास्ट हो रहा है। ऑलराइट गाइस देखो मैं पहले से कितना ज्यादा बड़ा बन चुका हूं, और तो गाइस देखो अब तो गाइस मेरे को चिढ़ाएगा भी नहीं। सो गाइस मैं पहले से लाभा लिटिल सिंगम बन चुका हूं, बड़ा लाभा लिटिल सिंगम। सो गाइस मुझे जल्द से जल्द खुद को अपग्रेड करके अपने फैमिली को बचाना पड़ेगा सिवा के फैमिली से, गाइस मुझे भूलना नहीं है। सो गाइस फिलहाल के लिए मैं चल रहा हूं लाभा मॉन्स्टर के ऊपर से, गाइस देखो। सो गाइस लाभा मॉन्स्टर का शरीर कितना ज्यादा गर्म है भाई, सब देखो कितना ज्यादा बड़ा है। सो गाइस इससे बातचीत करना भाई लगता है मौत के साथ एकदम बातचीत हो गया। सो गाइस ये ना बहुत ज्यादा गुस्से वाला एक मॉन्स्टर है भाई, ये ज्यादा गुस्सा हो गया मेरे ऊपर, तो गाइस मेरे को उठा के इतना जोर से पटकेगा और दूसरी बार मैं खड़ा भी नहीं हो सकता, इतना सीन हो जाएगा मेरे साथ। ऑलराइट गाइस फिलहाल के लिए ना मैं लाभा मॉन्स्टर के चेस्ट के ऊपर आ चुका हूँ, गाइस मेरे को फाइनली दिख रहा है वो स्किबी टॉयलेट। सो गाइस स्किबी टॉयलेट के सामने है एक ट्रेडमिल, गाइस मुझे ट्रेडमिल यूज करना है। अरे स्किबी टॉयलेट जी मैं क्या आपका ट्रेडमिल यूज कर सकता हूँ। तू क्या ट्रेडमिल यूज करेगा पिद्दी, तू तो एक लावा लिटिल सिंगम है, हाँ तेरी औकात क्या है, तू ये सब यूज करेगा, तेरे जैसे चिंदी बहुत आए बहुत गए मेरे सामने, हाँ तू यूज करेगा, लगता है तेरे को औकात दिखाना ही पड़ेगा, अब देख मैं तेरा क्या हर्ज करता हूँ। एक मिनट गाइस लगता है स्किबी टॉयलेट बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है मेरे ऊपर, लेकिन गाइस क्यों मेरे इसका रीजन कुछ नहीं पता भाई, लगता है आज तो भाई क्या काम से मैं।
नहीं कौन सा शॉट है, नहीं नहीं बच बचा लो भाई। इसके भी टॉयलेट ने मेरे को कैसे मारा मेरे को समझ नहीं आया गाइस। उसने अपना बॉडी मूवमेंट भी नहीं कुछ नहीं किया गाइस, अचानक से मेरे को गाइस कितना जोर से मार दिया गाइस, देखो मैं कितना दूर आके गिरा। सो गाइस मेरे को उठना है जैसे तैसे। सो गाइस मेरे को समझ आ चुका है, सो गाइस मैं ना उसका भी बिस्किट भी टॉयलेट को बच्चे को नहीं हरा सकता भाई। वो ना मेरे को एक झापड़ में कितना दूर आके गिरा दिया गाइस, मेरे को समझ भी नहीं आया वो कब मेरे को इतना तेजी से मारा गाइस। वो बात करते करते इतना जोर से मेरे को मारा कुछ समझ नहीं आया। सो गाइस लगता है मैं कभी भी उसको हरा नहीं सकता। तो गाइस जो जो देख रहे हो गाइस प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। सो गाइस मेरे को ऐसे रोने में कुछ फायदा नहीं है, मुझे अपने फैमिली को बचाना है सिबा के फैमिली से। तो गाइस मैं रोऊंगा नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। चलो गाइस रोने धोने का टाइम चला गया, अब मेरे को उठना पड़ेगा जैसे करके भाई, बहुत कुछ हो गया है। सो गाइस अपने फैमिली के लिए मुझे उठना ही पड़ेगा, लावा लेले सिंघम के फैमिली के लिए। चलो गाइस सब कमेंट कर दो एक बार। ऑल राइट गाइस फिलहाल के लिए मैं उठ चुका हूं, अभी तो गाइस अपना फुली पावर यूज करूंगा। ऑल राइट गाइस मैं इतना तेज से दौड़ सकता हूं, इसके भी डाल बच्चा अभी तेरा खैर नहीं। ओए तू कैसे कर रहा है ये, अभी देख मैं तेरा कैसे बैड हो जाता हूं। तू मेरे फैमिली को उल्टा सीधा बोला ना ये लपी दिखाई के, ये नामुमकिन है, तूने कैसे मार रहा मेरे को, अब मैं तेरे को तेरा औकात दिखाऊंगा। नहीं ये नहीं हो सकता यार। देखो गाइस मैंने इसकी भी टॉयलेट के बच्चे को उसका पूरा औकात दिखा दिया। सो गाइस अभी मुझे लावा मॉन्स्टर से बात करना पड़ेगा। एक मिनट गाइस ये क्या हुआ, लावा मॉन्स्टर ने मेरे को हवा पे उठा लिया। तो बहुत ज्यादा उधम कूद कर रहा है यहाँ पे, तू कौन है, दिखने में तू भी एक लावा की बना हुआ एक बंदा है, क्या चाहिए यहाँ पे तेरे को। अरे लावा मॉन्स्टर जी मुझे ना आपकी पावर चाहिए, मुझे अपग्रेड कर दो, मुझे ना अपने फैमिली को बचाना है। वो लेडीज आई सिवा के फैमिली से, आई सिवा का फैमिली मेरे फैमिली को पूरा खत्म कर दे रहा है, मैं इसलिए आपके पास ना मदद के लिए आया हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दो। मैं तेरी मदद कर दूंगा लेकिन तू मेरे को क्या दे सकता है, बोल मेरे को चाहिए जो जो देख रहा सबको सब्सक्राइब करने, तू कर सकता है ऐसा। सो गाइस लावा मॉन्स्टर ने मेरी मदद कर सकता है, सिर्फ उनका एक ही शर्त है, जो जो देख रहे हो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आई होप उसके बाद लावा मॉन्स्टर मेरी मदद कर दे यार, प्लीज कर दो प्लीज यार, सब वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है मैं तेरा बात सुन के मैं तेरे को पावर दूंगा, लेकिन सुन मेरा हेड देख, मैं 3-headed लावा मॉन्स्टर हूँ और मेरे एक मुंह के अंदर बहुत ज्यादा पावर छुपा है और दो मुंह के अंदर सब बेकार है, तुझे चूज करना पड़ेगा, तेरे को मिलेगा दो मौका, तूने दोनों मौका गवा बैठा तो तू मेरा खाना बन जाएगा। अरे भैंस की आंख, अरे भाई ऊपर से गिरा दिया। ऑल राइट गाइस सो गाइस लावा मॉन्स्टर जी बताया है, सो गाइस इनका पास 3-headed और गाइस एक मुंह के अंदर ना बहुत ज्यादा पावर है। सो गाइस फिलहाल के ना मुझे इनके माउथ के अंदर घुसना पड़ेगा, आई मीन मुंह के अंदर। सो गाइस मैंने ना मिडिल वाले मुंह चूज किया है, सो मुझे इतना लगता है गाइस इसके अंदर पावर हो सकता है। ठीक है तू जा सकता है, चलो गाइस इस मुंह के अंदर घुसते, आई होप गाइस जल्द से जल्द मिल जाए। सो गाइस मैंने दो भी गलत चूज कर लिया तो मैं इनका खाना बन जाऊंगा, गाइस आप लोग मेरी मदद कर सकते हो। ऑल राइट गाइस फिलहाल के लिए मैं इसके माउथ में तो अंदर आ चुका हूँ। भाई ये कितना ज्यादा खौफनाक है भाई, पूरा लावा का बना है भाई, मेरे से भी ज्यादा गड़म है ये। एक मिनट गाइस इसमें तो मेरा पूरा पोपड़ हो चुका है भाई, इसमें कोई भी पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो गाइस बाहर जाते हैं, सो गाइस यही मेरा लास्ट चांस है। सो गाइस ये भी मैंने गलत कर दिया तो मैं कभी भी अपने दोस्तों लोग अपने फैमिली लोग कभी बचा नहीं सकता उसी वा के हाथ से। सो गाइस यही मेरा लास्ट चांस है। सो गाइस जो जो देख रहे हो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद लगता है कुछ पावर मिल जाएगा इस मुंह के अंदर से। भाई जो जो देख रहे हो प्लीज कर दो, चलो गाइस यही मेरा लास्ट चांस है, आई होप गाइस इसमें पावर हो जाए। चलो गाइस आप मेरे को सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके। हाँ तू जा सकता है इस मुंह के अंदर, भाई बोल रहा है तो चलते हैं। ऑल राइट गाइस लाल गेम में इसके मुंह के अंदर घुस चुका हूँ, भाई ये कितना ज्यादा खौफनाक है गाइस, मेरे को ना कुछ समझ भी नहीं आ रहा, लगता है इसमें बहुत ज्यादा पावर है। एक मिनट गाइस नीचे तक ट्रेडमिल दिख रहा है, भाई भाई मेरे को समझ आ चुका है भाई इस मुंह के अंदर ये गोल्डन ट्रेडमिल, भाई ये ट्रेडमिल यूज करने के बाद गाइस मैं अपना साइज बढ़ा सकता हूँ, अपना पावर यूज कर सकता हूँ। सो गाइस लावा मॉन्स्टर ना इसकी बात कर रहा था, चलो गाइस मुझे फाइनली मिल चुका है, चलो गाइस फटाफट मैं दौड़ता हूँ उसके बाद मेरे को पावर मिल जाएगा। चलो गाइस मैं दौड़ता हूँ, दोस्तों लोग आप भी सब्सक्राइब कर दो इसी खुशी में। चलो 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 हो जाएगा हो जाएगा, तू कर सकता है कर सकता है लावा सिंघम। एक मिनट गाइस पोर्टल शुरू हो चुका है, लगता है गाइस मैं कुछ ही देर में अपग्रेड होने वाला हूँ, भाई मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, मेरा नया रूप देखने मिलेगा आप सबको और गाइस मेरा नया पावर भी होगा। ऑल राइट गाइस मैं कितना ज्यादा बड़ा जायंट हूँ, सो गाइस मैं पूरा अपने बड़े भैया की तरह बना हूँ एकदम बड़ा। सो गाइस मेरे अंदर कितना ज्यादा पावर है मैं गाइस देखता हूँ यार। चलो ऑल राइट गाइस एक जंप पे ना मैं लावा मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से बाहर आ गया, थैंक यू लावा मॉन्स्टर जी, मैं फिलहाल के लिए जा रहा हूँ अपने फैमिली को बचाने, थैंक यू सो मच। चलो गाइस फिलहाल के लिए अपना पूरा पावर यूज करके वहाँ पे चलते हैं। गाइस देखो हर जगह एकदम स्नो स्नो गिरा है, मैं उससे ना अपने फैमिली को जैसे करके बचाऊंगा सिवा के फैमिली से, उसके बाद उनको दिखाऊंगा। ऑल राइट गाइस फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे आ चुका हूँ,
ओए मेरे फैमिली को छोड़ दे पिद्दी कहीं के, तेरा फैमिली यहाँ से चला जाने तो तेरी फैमिली खत्म कर देंगे। अब पुत्र ये तो हमारा ही पुत्र रे, ये कितना खतरनाक कैसे बन गया, ये तो लावण्य सिंह का पुत्र रे। हाँ तो तुझे अब चिंता मत करो, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं अपने फैमिली को बचा के यहाँ से जाऊंगा। अरे अरे तू बहन बन चुका है रे, अरे अरे भाई मेरे छोटे भाई तो कितना ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है, हम लोगों का बचा इसके चंगुल से, नहीं तो ये खत्म कर देगा हम लोगों को रे। तू कभी भी नहीं बचा सकता अपने फैमिली को, हाँ तेरा फैमिली हमारा गुलाम रहेगा पूरी जिंदगी। तेरी ब्यास की सो गाइस, मेरा फैमिली गुलाम रहेगा, अभी तेरे को औकात दिखाता हूँ। ये ले पिद्दी कहिए, ओए तू क्या कर रहा है, ये ले भाई तू मेरे फैमिली का गुलाम बनाएगा, उससे पहले मैं दुनिया से तेरे को मिटा दूंगा। ओए ये कैसा यू पावर है, ये ले पिद्दी कहिए, देख मैं तेरा क्या हर्ज करता हूँ, तू कभी भी लावा लेडी सिंह की फैमिली को भी सता भी नहीं सकता, तेरे साथ मैं ऐसा हर्ज करूंगा, ये ले। ओए ये तो हमारे फैमिली खत्म कर रहा है, नहीं रोको इसका कोई रोको यार, ये ले तूने मेरे छोटे भाई को ऊपर से नीचे गिरा दिया, मेरे को सब याद है। सो गाइस ये रहा वो बंदा जो मेरे छोटे भाई को पूरा ऊपर से नीचे गिरा दिया। सो गाइस मैं तेरे को पूरा खत्म कर दूंगा, मैं देख तेरे साथ क्या करता हूँ। ओए नहीं जोड़ दे मेरे को दर्द हो रहा है, मैंने गलत किया। शिवा का फैमिली कमजोर, मेरे को समझ आ गया, एक तेरे को मैं कितना जोर से गिराता हूँ यार, ये ले ऑल राइट गाइस, लगता है मैंने शिवा के फैमिली को पूरा सबक सिखा दिया, चलो गाइस अपने फैमिली को बचाते हैं। ऑल राइट गाइस देखो मैं जब शिवा के फैमिली को हरा दिया उसके बाद देखो हर जगह हरियाली हरियाली हो चुकी है, अरे मेरा फैमिली कितना ज्यादा खुश है। सो गाइस हम दिखने में लावा मॉन्स्टर है लेकिन गाइस हम अच्छा ही काम करते हैं, हम लोग कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। सो गाइस आपको लावा लेडी सिंह का फैमिली अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो, और गाइस सामने जो वीडियो शो कर रहे फटाफट उसमें भी क्लिक करो।